यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा का रिजल्ट अगले हफ्ते तक जारी किया जा सकता है। इसके पहले 2023 में बोर्ड ने 25 अप्रैल को परिणाम जारी किया था। बोर्ड की परीक्षाएं 22 फरवरी से शुरू हुई थी, जिसमें प्रदेश भर के करीब 55 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। परीक्षा के लिए 8,000 से अधिक केंद्र बनाए गए थे और 9 मार्च तक परीक्षाएं पूरी हुई थी। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए योग्य उम्मीदवारों के आवेदन मांगे हैं। विभाग के द्वारा इस भर्ती के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है, ताकि उम्मीदवार आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सके। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार को NCVT से मान्यता प्राप्त संस्थान से ITI पास किया होना चाहिए। अगर आप भी इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको विभाग की आधिकारिक वेबसाइट RAC.gov.in पर जाना होगा, जहां से आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। DRDO भर्ती के लिए उम्मीदवारों को सिलेक्शन स्क्रीनिंग टेस्ट इंटरव्यू की परीक्षा को पास करना होगा। सरकारी भंडार में गेहूं का स्टॉक 16 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, जिसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बाजार विशेषज्ञों की माने तो अगर स्थिति ऐसी ही रही तो आम जनता पर महंगाई का बोझ और बढ़ सकता है। अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में अनाज की कीमतों में फिर बढ़ोतरी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में आंधी और बारिश के आसार हैं, जिससे तापमान में गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 18 और 19 अप्रैल को प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार 18 अप्रैल को धूल भरी तेज हवाएं चल सकती हैं, वहीं कहीं कहीं बारिश और बिजली गिरने का भी पूर्वानुमान है। प्रदेश के 17 जिलों में मौसम थोड़ा ठंडा रह सकता है। इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। पूसा अरहर 16 किस्म किसानों के बीच बेहद लोकप्रिय हो रही है, जिसका मुख्य कारण है कम अवधि में ज्यादा उपज। इसकी बुआई जून के प्रथम सप्ताह से लेकर जुलाई के प्रथम हफ्ते तक कर सकते हैं और ये किस्म 120 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। केला दुनिया भर की उन कुछ फसलों में से एक है जो लाखों लोगों को पोषण और आर्थिक जीविका उपलब्ध करता है। हालांकि केले की खेती में कई चुनौतियां हैं, जिनमें से एक तंबाकू कैटरपिलर जैसे कीटों का संक्रमण है। यह भयानक कीट केले के पौधों को काफी नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे उपज और गुणवत्ता दोनों प्रभावित होते हैं। जिस खेत में यह कीट देखा गया, वहां पर इस कीट से केले की पत्तियों पर भारी नुकसान देखा गया। इसलिए जरूरी है कि इस कीट के बारे में विस्तार से जाना जाए। केले की खेती पर इस कीट के प्रभाव को कम करने के लिए प्रभावी प्रबंध रणनीतियां आवश्यक हैं। क्लोरपाइरीफॉस 2 मिलीलीटर प्रति लीटर या कोरोजन 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से इस कीट को प्रबंधित किया जा सकता है। फेरोमोन ट्रैप के इस्तेमाल से भी इस कीट को नियंत्रित किया जा सकता है। भंडारण की सही जानकारी ना होने के कारण अनाज नमी, दीमक, घुन और चूहों के कारण बर्बाद हो जाता है। यह समय कटाई से अगली बुवाई तक या कटाई से बेचने तक होता है, इसलिए अनाज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कुछ बातों का खास ध्यान रखना होता है। अनाजों को अच्छी तरह से साफ सुथरा कर धूप में सुखा लेना चाहिए, जिससे कि दानों में 10% से अधिक नमी ना रहने पाए। अनाज में ज्यादा नमी रहने से फफूंद और कीटों का आक्रमण अधिक होता है। अनाज को सुखाने के बाद दांत से तोड़ने पर कट की आवाज करे तो समझना चाहिए कि अनाज भंडारण के लायक सूख गया है।